बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा गुड मॉर्निंग वन क्लास अस्सलाम वालेकुम बेटा आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम योर टीचर फ्रॉम स्टडी स्कूलिंग सिस्टम टुडे वी आर डूइंग इंग्लिश वर्क आवर टॉपिक इज नाउन सो व्हाट इज नाउन लेट्स सी एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम दीज नेम हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ पर्सन प्लेसेस थिंग्स और एनिमल्स हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में बेटे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके डिफरेंट नेम हैं उनके डिफरेंट नेम क्यों हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें आइडेंटिफाई मीन्स पहचान सकें कि ये क्या चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हर चीज़ का एक ही नाम होगा तो क्या आप उसको पहचान सकते हैं कि ये क्या चीज़ है हम उसे नहीं पहचान पाएंगे इसीलिए हर चीज़ का डिफरेंट नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बच्चा है अली अब सारे बच्चों का नाम अगर अली होगा तो हम पहचान थोड़ी सकेंगे कि टीचर किस अली को बुला रही हैं है ना इसीलिए हर बच्चे का डिफरेंट नेम होता है सिर्फ इंसानों का ही नहीं जानवरों का चीज़ों का जगहों का भी नाम अलग अलग होता है क्यों अलग अलग होता है ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें हम पहचान सकें कि ये क्या चीज़ है देन अब मैं क्या बेटा रीड कर रही हूँ नाउन की डेफिनेशन सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग नाउन क्या है बेटा किसी भी इंसान पर्सन मीन शख्स यानी इंसान इंसान का जगह का जानवर का और किसी भी चीज़ का नाम दोबारा बता रही हूँ नाउन क्या है किसी भी इंसान का जगह का जानवर का और चीज़ का नाम अब पर्सन की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डॉक्टर टीचर फादर उसके बाद प्लेस की एग्जांपल्स हैं स्कूल पार्क बैंक ये सब क्या हैं ये प्लेस हैं उसके बाद एनिमल डॉग एलिफेंट कैट ये क्या हैं बेटे ये एनिमल्स हैं उसके बाद थिंग्स में कौन सी चीज़ें हैं चेयर बॉल बुक ये सब क्या हैं ये नाउन हैं नाउन की एग्जांपल्स हैं अब आपके पास एक एक्सरसाइज है अंडरलाइन द नाउन इन द गिवन सेंटेंस जितनी यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेंटेंसेस हैं इसमें आपको नाउन अंडरलाइन करना है फर्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा पीटर इज़ रीडिंग अ बुक इसमें कौन से नाउन हैं इसमें देखें दो नाउन हैं अंडरलाइन करें वेरी गुड फर्स्ट नाउन क्या है पीटर क्या है पर्सन देन हमारे पास इस सेंटेंस में एक और नाउन है आइडेंटिफाई करें कौन सा है बुक क्या है बेटा थिंग है उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैंगोज आर इन द बास्केट इसमें कौन कौन सी चीज़ें नाउन हैं मैंगोज नाउन है ये क्या है थिंग्स हैं और बास्केट नाउन है ये भी थिंग्स में आएगी उसके बाद दिस इज़ अ हॉस्पिटल इसमें बताएं इसमें क्या नाउन है इसमें हॉस्पिटल नाउन है ओके देन मंकीज आर सिटिंग ऑन द ट्री इसमें कौन सा नाउन है बेटा इसमें भी दो नाउन है आइडेंटिफाई करें फर्स्ट क्या है मंकी क्या है एनिमल का नेम है ना मंकी तो भी मैंने बताया था कि नाउन किसी भी जानवर के नाम को कहते हैं है ना तो एनिमल में क्या आ जाएगा मंकी फिर ट्री क्या है ट्री भी थिंग में आ जाएगा ओके उसके बाद एक और एक्सरसाइज है क्वेश्चन रीड कर रही हूँ गौर से सुनेंगे पुट दीज नेम इन द करेक्ट बॉक्स गिवन बिलो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको डिफरेंट नाउन्स दिए हुए हैं जैसे टेबल काउ डॉक्टर कार स्कूल बॉल एंड मैनी मोर
इन नाउन्स को आपको अपने डिफरेंट कॉलम्स में लिखना है. जैसे देखिए नीचे आपके पास फोर कॉलम्स हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. आपको ऊपर टेबल में देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से नाउन है. फॉर एग्जांपल देखिए डॉक्टर लिखा हुआ है, तो डॉक्टर कहाँ आएगा? डॉक्टर पर्सन के कॉलम में आएगा. फिर काओ है, काओ एनिमल के कॉलम में आएगी. इसी तरह आपको आइडेंटिफाई करने हैं अपने नाउन्स और उनको कॉलम में लिखना है. ठीक है, ये काम अब अपनी कॉपी में करेंगे. ओके क्लास, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.